रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। तो स्टफिंग के लिए एक बर्तन में हम डालेंगे 1 बड़े चम्मच के करीब तेल। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा। लहसुन की 5 से 6 कलियों को मैंने मैश कर लिया है। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से भून लेते हैं, जब तक जो है लहसुन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और जीरा हमारा पक जाए। अब जैसे ही आप देखेंगे कि जीरा हमारा भुन जाएगा और लहसुन पक जाएगा, तब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। लो फ्लेम पर हमें इसे 10 से 20 सेकंड के लिए भुनना है। याद रखें, ये जो हमारा मसाला है ये जलना बिल्कुल नहीं चाहिए, इसलिए आप इसे लगातार मिलाते रहें। अब जैसे ही 10 से 20 सेकंड हो जाएंगे, हम यहाँ पर उबले हुए आलू डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 उबले हुए मीडियम साइज़ के आलूओं का इस्तेमाल किया है। इन्हें मैंने 2 विसल लगाकर उबाल लिया था, उसके बाद ठंडा होने के बाद मैं इनका यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने इन्हें हाथों से इस तरह से मैश कर कर इनका इस्तेमाल किया है, आप भी इसी तरह इस्तेमाल कीजिए। हम इन्हें मसालों के साथ मैश करेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये देखिए, इस तरह से सारे आलू हम इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से कलछी से आप इसे प्रेस करते रहिए और इसे मिक्स कीजिए। ऐसे करने से क्या होगा, आलू में मसालों का जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा आएगा। तो जितनी भी बेसिक चीज़ें थी वो हमने इसमें डाल दी। वैसे अगर आप चाहें तो सिर्फ आलू की स्टफिंग बना सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ आलू अवेलेबल हैं। पर यहाँ पे मेरे पास मटर भी अवेलेबल थे तो मैंने इनमें मटर भी डाले हैं, वरना मटर बिल्कुल ऑप्शनल है। इस स्टफिंग में आप बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बिल्कुल बारीक कटे हुए पनीर हो गए, मटर हो गए, जो भी आपको पसंद हो। तो अब इसको मैश कर लिया हमने अच्छी तरह से। ये देखिए, आलू हमारे मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें मटर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर जो मटर इस्तेमाल किए हैं वो फ्रोज़न मटर हैं, इसीलिए मैंने उनका डायरेक्टली यूज़ किया है। अगर आप फ्रेश मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्रेश मटर को हल्का सा उबाल कर उसके बाद आप इस स्टफिंग में डालें। तो ये हो गए आलू हमारे रेडी। बिल्कुल लो फ्लेम पर ही मैंने इतने इन्हें मैश किया है ताकि ये सेट हो जाएं। अब हमने इसमें मटर डाल दिए और इसे भी थोड़ी देर कुक कर लेंगे। स्टार्टिंग में हमने सिर्फ 2 ही सूखे मसालों का इस्तेमाल किया था, जो था लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। इसीलिए अब बाकी के मसाले हम इसमें डालेंगे, जो कि है हमारा नमक और धनिया पाउडर। तो ये मटर भी हमारे कुक हो चुके हैं काफ़ी हद तक। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक या स्वाद के अनुसार नमक। ये जो स्टफिंग हम बना रहे हैं बहुत ही इंस्टेंट बन जाती है और इसमें बहुत ही कम चीज़ों का यूज़ होता है, बट अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो इसका फ्लेवर और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब हमने इसमें डाल दिया नमक और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। इसे मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। हमारी स्टफिंग तो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब स्टफिंग तैयार करने के बाद आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आटा लगाकर तैयार कर लिया है। ये गेहूं का आटा है जिसे मैंने लगाकर तैयार किया है। आप चाहें तो फ्रिज में इसे स्टोर करके उसके बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आटा अगर आपके पास रखा हुआ हो तो आप उसका भी इस्तेमाल इस रेसिपी में कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम एक लोई तोड़ लेंगे और उसकी रोटी बना लेंगे। अगर आटा गूंथते वक्त आपने थोड़ा नमक डाला था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी चलेगा। अब हमने इसकी रोटी बना ली और इस रोटी को हम सेक लेते हैं, जैसे नॉर्मली हम रोटी को सेकते हैं। आज मैंने इसे गेहूं के आटे से बनाया है, तो मैंने इसे हेल्दी बनाया है। आप चाहें तो मैदा वाली रोटी का भी इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो बिना तेल लगाए हुए डायरेक्टली हमने रोटी को सेक लिया, थोड़ा सा कच्चा पक्का रखेंगे और अब हम रोटी को बाहर निकाल देंगे। अब हम करेंगे फाइनल बाइंडिंग। तो फाइनल बाइंडिंग आपके ऊपर है, आप जैसे भी पसंद करते हैं वैसे कर लीजिए। मैं आपको अपना तरीका बता रही हूँ। मैंने इसके ऊपर डाला 1 सेजवान चम्मच, सेजवान चटनी का बड़ा चम्मच, और मियोनीस। आप यहाँ पर हरे धनिए की चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो टमाटो केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे इस तरह से रोटी के ऊपर चारों ओर स्प्रेड करेंगे। इसे स्प्रेड करने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे आलू की स्टफिंग, जो हमने सबसे पहले बनाकर तैयार की थी। आप जितनी भी पसंद करते हो
एक चम्मच भर के या दो चम्मच भर के हम इसमें डाल देंगे। मतलब आज की जो रेसिपी है बहुत ही कम चीज़ों से और घर में चटपटी फ्रेंकी, हेल्दी फ्रेंकी बनाने की है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये हमने आलू की स्टफिंग भर दी। उसके बाद हम यहाँ पर बारीक कटे हुए प्याज का इस्तेमाल करेंगे, वो बिल्कुल ऑप्शनल है, और बारीक कटी हुई पत्ता गोभी का इस्तेमाल करेंगे, वो भी ऑप्शनल है। कच्ची सब्जियों में आपको जो भी पसंद आए आप यहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज डाल दिए हमने, थोड़े से पत्ता गोभी हम इसके ऊपर डाल देते हैं, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अगर आप स्पाइसी चाहते हैं तो थोड़ी सी हरी मिर्च भी काट कर डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद हम इसमें एक चीज़ ज़रूर डालेंगे जो कि है चाट मसाला। चाट मसाला से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा चाट मसाला हम स्प्रिंकल कर देंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है चीज़। तो यहाँ पे मैंने प्रोसेस चीज़ ले ली है, प्रोसेस चीज़ रूम टेम्परेचर पे थी, इस तरह से हम उसे ग्रेट कर लेंगे। अब आप जितना चीज़ी पसंद करते हैं आप अपनी मर्ज़ी से उतनी चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब हमारी बाइंडिंग तो हो चुकी, बहुत यमी लग रही है ना, चलिए इसे थोड़ा और यमी बनाते हैं। चीज़ को ग्रेट करने के बाद अब हम इस रोटी को कर देंगे बिल्कुल रोल। तो ये देखिए अब हमने इसे रोल कर दिया, और दूसरी ओर हम तवा गरम कर लेंगे हाई फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर तवा गरम कर लेंगे और उस पर डालेंगे थोड़ा सा बटर, बिल्कुल थोड़ा सा बटर डालेंगे, और हाई फ्लेम पर हमने जो रोल बनाए हैं उन्हें अलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। इसी स्टेज में जो हमारी चीज़ है वो भी मेल्ट हो जाएगी और बाहर से जो रोटियां हैं वो भी अच्छी क्रिस्पी हो जाएंगी। तो हमारी झटपट से हेल्दी वाली फ्रेंकी बनकर रेडी हो चुकी है, बहुत ही कम चीज़ों में इस लॉकडाउन में। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो इस तरह से हम इसे सर्व कर लेंगे।